नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आराधनास कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो वेजेस। आइए देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए तेल या फिर रिफाइंड ऑयल तलने के लिए, 4 मध्यम आकार के आलू छीलकर यूं वेजेस के आकार में कटे हुए, आधा छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 12 से 15 काली मिर्च कुटी हुई और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और हम इसमें नमक डाल देंगे। जैसे ही हमारा पानी उबलने लगेगा, हम इसमें आलू के वेजेस डाल देंगे। इन वेजेस को हम 50% पकने तक उबाल लेंगे। इसमें आपको 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद हम इन वेजेस को निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम इन वेजेस में मिक्स्ड हर्ब्स, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्च और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारी सभी चीज़ें मिल गई हैं। अब हम वेजेस को तल लेंगे। इसके लिए हम गरम तेल में इन्हें डाल देंगे और फिर हम इन्हें सुनहरा होने तक तल लेंगे। इन्हें तलने में हमें 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। आप गैस की आंच बहुत ज़्यादा तेज ना रखें, मीडियम हाई पे रखें। हमारे पोटैटो वेजेस तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। आप इन वेजेस को सर्व करें टोमेटो केचप के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।